विदेश मंत्रालय जी सर जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? राजूभाई करपड़ा जी सर। पोलैंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है, टेम्पररी बॉर्डर बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं। बच्चे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ रहे थोड़े टाइम। अपने रिस्क पे, अपने दम पे आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, तीन लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं, एक लड़की को हम खुद जानते हैं वो। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। पता नहीं हमारे साथ क्या हो, प्लीज गवर्नमेंट आप जो भी हो जहाँ भी हो प्लीज हमें आगे बचाओ। इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है यूक्रेन का, किस तरह से भारतीय छात्रों पर हमले हो रहे हैं। ये दूसरा वीडियो देखा आपने, ये दूसरा वीडियो है, वहाँ के छात्र लगातार बैक टू बैक वीडियो भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं मिला है। आप सोचिए कि आपका, आपके बच्चे की जान खतरे में है, उसको वहाँ की पुलिस मार रही है, यूक्रेन की पुलिस मार रही है, रोमानिया घुसने नहीं दिया जा रहा है, पोलैंड ने बॉर्डर बंद कर दिया है। इसको लेकर एक ऑडियो लिंक हुआ है विदेश मंत्रालय का। एक शख्स ने फ़ोन किया, पूछा कि आप क्या मदद कर रहे हैं। उसने कहा कि कुछ गड़बड़ी है, मदद नहीं कर पाएंगे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या गड़बड़ी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूक्रेन में 18,000 छात्र फंसे हैं, अभी भी लगभग 2,000 छात्र आए हैं। सरकार छाती पीट रही थी, पहले तो गलती हुई, एडवाइजरी जारी हुई थी, दुनिया भर के देशों ने अपने छात्रों को, अपने लोगों को निकाल लिया। आपके जो 56 इंच वाले हैं जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, वो चुनाव में व्यस्त थे, उनको समझ में नहीं आया जब युद्ध शुरू हो गया, जब आपके बच्चे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने लगे तब इनको ध्यान आया। उसमें भी इन्होंने 2-3 जहाज भेज के मंगवाया किरकिरी होने के बाद, और अपनी पीठ थपथपाने लगे, मंत्रियों को भेज कर कहने लगे कि देखिए मोदी जी ने आपको बुलवा लिया। इसी दौरान एक बड़ी गलती हो गई, यूनाइटेड नेशन में वोट होना था। पूरी दुनिया में यूक्रेन को लेकर सिंपैथी है, अमेरिका उसके साथ है, पूरा यूरोप उसके साथ है, यहाँ तक कि पूरा एशिया उसके साथ है, चीन और रूस को छोड़ के। लेकिन आप वाले साहब ने ये भी नहीं देखा कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और यूक्रेन के खिलाफ वॉकआउट कर गए। नतीजा ये हुआ कि पूरा यूरोप आपसे नाराज़ हो गया, पोलैंड ने गेट बंद कर दिया, यूक्रेन ने गेट बंद कर दिया। उस पर से रंग का तो मसला है ही, जैसे आप यहाँ जातिवादी हैं, जाति देखकर व्यवहार करते हैं, गोरे रंग देखकर व्यवहार करते हैं, तो इंडियन और अफ्रीकन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि आपका रंग गोरा है। ये नस्लवाद तो आपको समझ में आएगा नहीं, जैसे आपको जातिवाद समझ में नहीं आता है। उसके बाद आपके बच्चों की जान अब खतरे में है, पोलैंड ने बॉर्डर बंद कर दिया है, रोमानिया ने बॉर्डर बंद कर दिया है, तमाम जो बॉर्डर कंट्री है उन्होंने आपके बच्चों को छोड़ दिया क्योंकि भारत के रुख से वो नाराज़ हैं। अब इस पर निर्भर करता है, अब जाके साहब ने फैसला किया कि 4 मंत्री जाएंगे, वो पोलैंड जाएंगे, रोमानिया जाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, चलिए देर ही सही, बच्चों को वापस लाया जाए। लेकिन सोचिए जो प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है, जो आपको कह रहा था कि मेरा डंका बज रहा है, जो आप टीवी अखबार देख रहे थे वही टीवी अखबार अब जाकर आपके बच्चे के पास पहुंचा है। सोचिए, मैं बताऊंगा कि वहाँ चल क्या रहा है, कैसे लोग पैदल चल रहे हैं आपके बच्चे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की करतूत तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है, कोई मतलब नहीं है। मीडिया आप जाकर वहाँ पहुँची है और मीडिया छात्रों से पूछ रही है कि पैदल चल रहे हैं, छात्र जवाब दे रहे हैं कि शर्म नहीं आ रही है। आज तक का जो सावंत है रिपोर्टर, वो पूछ रहा है कि पैदल चल रहे हैं, एक लड़की कह रही है छात्र की शर्म नहीं आ रही है, सब सवर्ण बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, दलित पिछड़ा थोड़ी है जो डर जाएंगे। सोचिए इसी तरह से लॉकडाउन में इस देश का आदमी पैदल चल रहा था, लेकिन ये बेशर्म पत्रकार लोग नहीं गए, नहीं तो ये सरकार सुधर जाती है। नोटबंदी में ऐसी लाइन लगी हुई थी, लोग मर रहे थे, ये बेशर्म पत्रकार नहीं गए, नहीं तो ये सरकार सुधर जाती। तो जब देश के लोग मर रहे थे तब ये सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना में
आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये पत्रकार बेशर्म नहीं आपकी खबरें बता रहे थे, नतीजा प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना बचा रहा। तो इन सब गलतियों के लिए इस देश की मीडिया जिम्मेदार है। अब जाकर वहाँ पूछ रहे हैं, एक तो NDTV पर बच्चा कह रहा है कि जानबूझकर भारतीयों को मारा जा रहा है, आज तक के सावंत को कह रहा है, एक महिला कह रही है कि इनसे बात मत करो, ये सब देशद्रोही हैं, इनको दिख नहीं रहा है कि गाड़ी नहीं मिल रही है। काश इस देश की मीडिया ने नोटबंदी में गरीबों की मजबूरी देख ली होती, काश इस देश की मीडिया ने लॉकडाउन में गरीबों का पैदल चलना देखा होता, काश इस देश की मीडिया ने कोरोना में मरते हुए लोगों को ऑक्सीजन के बिना मरते हुए देखा होता, काश इस देश की मीडिया एक झूठे फर्जी और असफल प्रधानमंत्री से सवाल पूछे होते। सोचिए आज रूबिका लियाकत क्या कह रही है, वरुण गांधी ने सवाल पूछा है कि आप 18,000 बच्चों को तो मंगवा नहीं पाए, 2,000 बच्चे आए हैं उसमें भी आप अफसर ढूंढ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। रूबिका लियाकत कह रही है कि अफसर में आप आपदा देख रहे हैं वरुण गांधी को, अमित देवगन कह रहा है, जबकि इन बेशर्म पत्रकारों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है उसको जेल में बंद किया जा रहा है, हम लोगों को धमकी दी जा रही है। हमारे एक साथी किशोर है पिथौरागढ़ में जेल में बंद कर दिया गया है, नमक रोटी की खबर दिखाने वाला OBC पत्रकार पर केस दर्ज कर दिया गया था, कन्नन को जेल में बंद कर दिया गया, प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया था। तो ये है इस देश की बेशर्मी की इंतहा, आप सवाल पूछेंगे तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब जो 18,000 बच्चे हैं वो ज़्यादा मुसलमान भी नहीं, न दलित हैं न पिछड़े हैं, सब सवर्ण क्लास के बच्चे हैं, उनके बच्चे की जान इस आदमी ने खतरे में डाल दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मैनेज हो जाए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही वो मैं आपको पढ़ के बताऊँ, और मैंने पूरी बात समझाने की आपको कोशिश की है। ये देखिए, ये अमित देवगन कह रहा था कि राशिद मियां भारतीय कागज़ दिखाकर ही आना होगा, ये तंज कर रहा था, एक मुसलमान छात्र वहाँ फंसा हुआ था जिसने CNRC में प्रोटेस्ट किया था। अब इसे पूछिए कि वो सवर्ण छात्र को कौन सा दिखाना होगा, क्यों नहीं भारतीय पासपोर्ट पर आने दिया जा रहा है, इन बेशर्मों को क्या कहा जाए। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर BP गुजराल आई की गुजरात, सोचिए, ये देखिए, ये तस्वीर है यूक्रेन के भारतीय छात्रों पर जुल्म ढाया जा रहा है, ये तस्वीर देख लीजिए किस तरह से उनको मारा जा रहा है, क्योंकि आपकी सरकार ने एक गलत फैसला किया है, काश सरकार के पास दिल होता तो इन बच्चों को अपने दिखते। सही समय पर सही फैसला न किए जाने के कारण 15,000 से अधिक छात्र भारी अव्यवस्था के बीच युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। इसका दर्द सुन लीजिए, सबका दर्द 10 सेकेंड का सुनाइए सारे छात्रों का। ये देखिए, इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। सही समय पर सही फैसला न होना, वरुण गांधी ने सवाल उठाया तो पत्रकारों का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन यहाँ पत्रकार जो है वो सरकार को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। ये दोनों छात्र मिसिंग है जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब तक 3 छात्रों की मिसिंग की खबर आ रही है। और ये देखिए, 3 छात्राएं अगवा हो चुकी हैं, यूक्रेन से आए वीडियो में दावा भयावह है, विनोद कापरी ने ट्वीट किया है। कॉन्फिडेंस दिखा के खुद चले गए वो लोग वहाँ पे अपने रिस्क पे, अपने दम पे, आधे बच्चे अगवा हो चुके हैं, 3 लड़कियां हैं वो अगवा हो चुकी हैं, एक लड़की को हम खुद जानते हैं, वो टर्नोबिल यूनिवर्सिटी से है, वो 3 दिन से सुन ली गई कल की मांग, 4 मंत्रियों को अब भेजे जाने का फैसला हुआ है, और 10 मंत्री इस देश के, जो 12 मंत्री हैं मिनिस्टर, उनके बच्चे राजनाथ सिंह, सीतारमन, जयशंकर, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, इन सब के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और प्रधानमंत्री आपको कह रहे हैं कि अपने बच्चों को विदेश मत भेजो। 12 केंद्रीय मंत्री के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, 15,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, 1,000 बच्चों का अब तक इवैक्यूएशन हुआ है, प्रधानमंत्री यूपी में प्रचार कर रहे हैं, आपका बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, सरकार की एक गलती की वजह से इन्होंने जिस तरह से यूक्रेन के पक्ष में बात नहीं की, पूरा यूरोप नाराज हो गया और किसी भी भारतीय छात्र को अपने बॉर्डर में घुसने नहीं दे रहा है, सबकी जान खतरे में है। ये दूसरी खबर, बड़ी खबर देखिए, देखिए किस तरह से बर्फबारी हो रही है, रोमानिया बॉर्डर की तस्वीरें छात्र भेज रहे हैं, यहाँ की मीडिया, गौरव सावंत वहाँ गया था, गौरव सावंत को वहाँ के छात्रों ने बहुत डांटा है, फटकारा है, हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जो छात्र, हाँ, कॉपीराइट का हो जाएगा, वो साफ कहा कि इन पत्रकारों से बात मत करो। और सोचिए, नस्लभेद के नाम पर भी हमला हो रहा है, जैसे आप जाति के नाम पर हमला करते हैं, वो आप पर रंग के नाम पर भी हमला कर रहे हैं।
और ये देखिए, ये राकेश तिवारी आई एफ एस है, इसने अपना ट्वीट हटा लिया है। और आपको पता है कितनी बड़ी यूपी में चुनाव है, यहाँ लोग गंगा को सम्मान से देखते हैं, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। 20,000 में सिर्फ 1,000 छात्र आए हैं, नाम का प्रचार हो रहा है और इनकी गलती की वजह से अब छात्र आ नहीं पा रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर पर भारतीय छात्रों पर डंडा पड़ रहा है और यहाँ भक्त कह रहे हैं मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। आप सोचिए, नोटबंदी में लोग मरे, इनके हर फैसले में लोगों की मौत होती है, नोटबंदी में लोग मरे, कोरोना से लोग मरे, पैदल चलने वाले लोग मरे, ये स्थिति है इस देश में। और आप कह रहे हैं आपको मीडिया सवाल नहीं पूछने के लिए बताएगा। पूरी दुनिया के किसी भी दूसरे देश में न तो लॉकडाउन में लोग पैदल चले थे कोरोना के दौरान, न नोटबंदी में लोग लाइन लग के मरे थे, और दुनिया के तमाम देशों के नागरिक वहाँ थे, कोई पैदल नहीं चला है, न किसी पर डंडे पड़ रहे हैं, सिर्फ भारत के छात्रों पर डंडे पड़ रहे हैं। तो ये तमाम इस समय, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, आर यू इवन लिसनिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, वो वीडियो बना के भेज रहे हैं। और ये ऑडियो सुन लीजिए, विदेश मंत्रालय की कर्मचारी कह रही हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये है 56 इंच की हकीकत। विदेश मंत्रालय? जी सर। जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? राजूभाई करपड़ा। जी, मेरा भतीजा अभी यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है, वहाँ पोलैंड में उसे एंट्री नहीं मिल रही है। जी सर, पोलैंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है, टेम्पररी बॉर्डर बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं। बच्चे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ रहे थोड़े टाइम। मैडम वहाँ एम्बेसी ने ही बोला था उन्हें कि आप पोलैंड बॉर्डर पे चले जाइए। इस टाइम एम्बेसी ने बोला था, उस टाइम पे बॉर्डर खुला हुआ था, अभी बंद हो गया है। अभी तो 1200-1300 हमारे स्टूडेंट वहाँ रुके है, खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है, और पोलैंड वाले सभी और कंट्री वाले को यहाँ एंट्री मिल रही है पोलैंड में। ओनली इंडियन को ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है सर, कुछ डिप्लोमेटिक इशू है जिसकी वजह से बंद हो गया है सर, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ मिसिंग है छात्र, यूक्रेन से भारत लाए जा रहे भारतीय स्टूडेंट्स पर भारत सरकार की, सबसे पहले लड़कियों को सुरक्षित लाना चाहिए, ये भी दिलीप मंडल ने कहा है। और तमाम वो खबरें जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। प्रधानमंत्री की एक गलती ने सब कुछ चौपट कर दिया है, और इन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया, जबकि कायदे से इनको पीड़ित के साथ स्टैंड लेना चाहिए था। पूरी दुनिया में यूक्रेन को लेकर सिंपैथी है, यूक्रेन को लेकर लोगों में प्यार है, और एक गलती ने सब गुड़ गोबर कर दिया है, और आपका प्रधानमंत्री देश में यूपी में प्रचार कर रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।